दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गाय माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर वह संतुष्ट होकर गाय माता उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। मान्यता है कि गो माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उन्हें इन सभी देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। गाय को रोटी खिलाने से इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गाय की सेवा करने से व्यक्ति की कुंडली में लगे हर प्रकार के भयंकर से भयंकर दोष समाप्त हो जाते हैं। पुराणों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि केवल गाय पर हाथ फेरने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। वहीं वैष्णव पुराण में भी इस बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ गाय को रोटी खिलाकर अपनी मनोकामना बोलता है तो मात्र कुछ ही दिनों में उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उसके सभी काम बनने लगते हैं। और आज हम आपको शास्त्रों में लिखा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से न सिर्फ आपको गौ माता की कृपा प्राप्त होगी बल्कि 33 कोटि देव देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही कुंडली में लगे भयंकर पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं अब इस खास उपाय के बारे में, बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी विधि उपयोग करना है। दोस्तों सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाए। इसके बाद सबसे पहली रोटी गाय के नाम की बनाएं। अब इसके बाद इस रोटी में थोड़ी मिश्री और मक्खन मिश्रित करें। इसके बाद किसी भी गाय को सीधे हाथ से ये रोटी सूर्योदय से पहले खिला दें। रोटी खिलाने के तत्पश्चात गाय पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करें। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थ विशेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुम्भ्य नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद अपने पितरों से क्षमा याचना करें और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से गौ माता के साथ साथ पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्माओं को शांति मिलती है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद भी आप पर और आपके परिवार पर बना रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।